नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका निहाल। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी तय हो चुकी है। दोनों ने खुद ट्वीट कर अपनी शादी की तारीख का ऐलान किया। दोनों की शादी 14 नवंबर को होगी, जबकि पार्टी 15 नवंबर को होनी है। हालांकि ये दोनों शादी कहां करेंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन दोनों की शादी को लेकर कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। जी हां, दोनों की शादी को लेकर जोक्स बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टर रणबीर कपूर को लेकर कई तरह के जोक्स और मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के बीच अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण की शादी रणबीर सिंह के साथ तय होने के बाद सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। रणबीर कपूर को लेकर फैंस ने कई तरह के मीम्स शेयर किए हैं, जो काफी ज्यादा फनी है। इतना ही नहीं, शेयर किए गए मीम्स में रणवीर सिंह के कपड़ों का भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, लिहाजा हर कोई मान रहा है कि शादी में उनका ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग रहने वाला है, जिसे लेकर दीपिका भी परेशान हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक मीम्स में तो ये भी बताया गया है कि दीपिका और रणवीर के आउटफिट्स एक जैसे रहने वाले हैं, क्योंकि रणवीर सिंह की कपड़ों के मामले में पसंद थोड़ी हटके है। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को लेकर दो ही मीम्स सबसे ज्यादा शेयर हो रहे हैं। एक है रणबीर कपूर के मीम्स और दूसरे हैं रणवीर सिंह के आउटफिट्स वाले मीम्स। बहरहाल आपको बता दें कि इन दोनों की नजदीकियां संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से बड़ी थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी पद्मावत में भी नजर आई थी। खास बात ये है कि दोनों की जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ साथ देखा गया था, लेकिन अब ऐसे में जब दोनों की वेडिंग डेट सामने आ चुकी है तो फैंस ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।